अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, शमशुद्दीन डॉक्टर योग क्रिश्चन सिंह। आज हम बात करते हैं नींद के बारे में, स्लीप। व्हाई यू वेक अप इन द नाइट, लेट नाइट। आप नींद से बेदार हो जाते हैं, उठ जाते हैं नींद में, सही से नींद नहीं होती है आपकी, कभी बेचैनी होती है, कभी आपको पसीने छूट जाते हैं या कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो ये इस किस वजह से होते हैं, ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? देखिए, पहली बात तो आपकी ग़िज़ा अच्छी होना चाहिए, आपको सुकून होना चाहिए, दिमागी सुकून। ये स्ट्रेस से भी हो सकता है आपको, अगर से कार्टिजोल, अगर से हाई कार्टिजोल है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक हाई कार्टिजोल होने की वजह से हो सकता है। और आपके खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, हाई सोडियम फूड और हाई शुगरी फूड्स, कार्ब्स जो लेते हैं, हाई कार्ब्स, इसको रोकना चाहिए आप, ठीक है। फिर साथ में आप सनलाइट लेना चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट्स में ज़्यादा ना रहे, सनलाइट्स लेने की कोशिश करें। और आप है ना, एक बीमारी है स्लीप एपनिया, जो हो जाता है ये सही से हम सनलाइट नहीं लेते हैं, मतलब कि सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है आपको, इसकी वजह से आपका विटामिन डी लेवल कम हो जाता है, तो ये ज़रूरी है। इसके साथ में फिर B1, जो B1 विटामिन है, इसको आप ये जैसे कि ग्रीन्स वगैरह में जो होते हैं, सीड्स और नट्स और लेग्यूम्स और बीन्स, ये खाने में होते हैं ये, तो ग्रीन्स वगैरह में B1 पाया जाता है, ये इसका इस्तेमाल करना है, विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। और सबसे अहम चीज़, अल्कलाइन, जो आपका pH है, अल्कलाइन और एसिडिक, आपका अल्कलाइन और एसिडिक, जो हमारे बॉडी के अंदर एक पीएच होता है, जैसे कि पानी के अंदर एक पीएच होता है, एक लेवल होता है, मतलब कि कितना उसमें एसिड होना चाहिए, कितना अल्कलाइन होना चाहिए, इसी तरह बॉडी के अंदर भी अल्कलाइन और एसिडिक होता है। जो आप इसकी कमी से, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट से, इसकी कमी से, और विटामिन डी जो आपको रेगुलेट करता है ये सारे मिनरल्स को, इसकी कमी से ये हो जाता है। फिर इसके बाद में हाई इंसुलिन की वजह से भी होता है, जो नर्वस होते हैं, जो जो परेशानी में है, टेंशन्स में है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और फर्स्ट और एक लास्ट अहम ये है कि हाई ग्लूकोज, जो डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, या डायबिटीज़ के जो जो शुगर पेशेंट्स है, जिसमें हाई ब्लड शुगर, हाई इंसुलिन की वजह से भी ये अक्सर होता है, जो ज़्यादा आप इन लोगों में पाया जाता है, जो ओवरवेटेड है, प्री डायबिटीज़ है, ये बार बार नींद में, मतलब के आखिर नींद में, मतलब के गहरी नींद में उड़ जाते हैं, नींद से ठीक से नहीं होती। तो ये आप चीज़ों का ख्याल रखें, लो सोडियम, लो शुगर डाइट, एक्सरसाइज, हैप्पी रहे, थैंक यू।